नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। अपर्णा यादव ने योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। आप सबको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी छोड़कर अपने परिवार के खिलाफ जाते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती हैं। अपर्णा यादव के भाजपाई हो जाने से अखिलेश को एक बड़ा झटका लगता है। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता इस बात को कितना भी नकारने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन सच तो ये है कि यादव परिवार की बहू का भाजपा में शामिल हो जाना सपा को कहीं ना कहीं बैकफुट पर लेकर आया है। खैर, अपर्णा यादव अरमानों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। उम्मीद थी कि अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट से टिकट मिलेगा या करहल से अखिलेश यादव के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अपर्णा को उतारेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा को किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं दी। उसके बाद ये खबर आई कि जो निकाय चुनाव हो रहे हैं उनमें अपर्णा यादव को टिकट दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं हुआ। तो भाजपा बार बार अपर्णा यादव को नजरअंदाज कर रही थी, इस बात से अपर्णा नकार रही थी, लेकिन उनके समर्थक समझ पा रहे थे। अपर्णा के समर्थक इस बात को समझ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अपर्णा को सिर्फ अखिलेश यादव के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है कठपुतली की तरह। अपर्णा का राजनीतिक भविष्य भाजपा में नहीं है। उसके बाद ये भी दावे किए जाने लगे कि अपर्णा यादव योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को अपना भाई मानने के बावजूद अपर्णा पर योगी ने मेहरबानी नहीं दिखाई। तो अपर्णा और योगी आदित्यनाथ की नाराजगी को लेकर जितने दावे किए गए हैं, उन तमाम दावों पर अपर्णा यादव ने आखिरकार एक बड़ा बयान दिया है। योगी मंत्रिमंडल से बाहर हुई अपर्णा यादव, टिकट को लेकर धोखा खा चुकी अपर्णा यादव खुले तौर पर बताती हैं कि सीएम योगी के साथ उन्हें किसी तरह की कोई शिकायत है भी या नहीं। क्या कहती हैं अपर्णा यादव, अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए आपको सुनाते हैं। इस रिपोर्ट को सुनिए और आगे आप ये भी जानिए कि कैसे भाजपा अपर्णा को राज्यसभा का टिकट देने की तैयारी कर रही है। सुनिए जरा। समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई अपर्णा यादव योगी कैबिनेट से बाहर रखी गईं, जिसके बाद अपर्णा के चर्चे और भी ज्यादा हुए। लगातार योगी आदित्यनाथ पर यह सवाल उठ रहा था कि जब अपर्णा को कोई जिम्मेदारी देनी नहीं थी तो मुलायम सिंह यादव के परिवार में सेंधमारी की क्यों। और वहीं दूसरी तरफ सवाल अपर्णा यादव पर भी उठ रहा था कि अगर बेइज्जत होना ही था तो अपने परिवार के साथ रहकर ही क्यों नहीं हो गई। योगी मंत्रिमंडल से बाहर हुई अपर्णा यादव पर एक के बाद एक सवाल लोगों द्वारा उठाए जा रहे थे। योगी आदित्यनाथ के साथ अपर्णा की नाराजगी पर मुद्दा भी बनाया जा रहा था, लेकिन अब अपर्णा यादव ने हर एक सवाल पर सटीक जवाब दे दिया है। अपर्णा यादव ने योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ कर दी है और इस तारीफ से मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू ने साबित कर दिया है कि उन्हें पद मिले, जगह मिले या ना मिले, वो फिलहाल राष्ट्रवाद के रंग में रंगी हैं और उनकी राजनीति योगी आदित्यनाथ के साथ ही होगी। योगी आदित्यनाथ की तारीफ में अपर्णा यादव कहती हैं, बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को राज्य का सीएम बनाकर राम राज्य की पहली शर्त को पूरा कर दिया। अपर्णा ने कहा, बीजेपी ने हमेशा राम राज्य के बारे में बात की। राम राज्य में ये कहा गया है, राजा का पद एक साधु ही संभालेगा, तो पहली शर्त भाजपा ने पूरी की और योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया। और जो तारीफ के योग्य है उसकी तारीफ होगी, योगी जी सच में तारीफ के योग्य है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को बड़ा झटका दिया। सबसे पहले चलिए आपको सुनाते हैं योगी आदित्यनाथ की तारीफ में अपर्णा आखिर कहती क्या कुछ है, सुनिए जरा। मैं इतना जानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राम राज्य के बारे में बात करी है और राम राज्य में कहा गया है कि जो राजा का पद है उसको हमेशा एक साधु ही संभालेगा, तो पहली शर्त भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरी करी है कि योगी जी को मुख्यमंत्री दोबारा बनाया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो तारीफ के योग्य है उसकी सर्वथा
हमेशा तारीफ होगी। योगी जी सच में तारीफ का के काबिल हैं। तो देखा आपने किस तरह से बिना पद के भी अपर्णा यादव की राजनीति और उनकी तारीफें योगी को समर्पित हैं। अपर्णा यादव को लेकर खबर ये भी आई है कि भारतीय जनता पार्टी अपर्णा पर दाव लगाने के लिए तैयार है। अपर्णा जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करती हैं, तो वहीं अखिलेश यादव पर तंज भी कसती हैं। अपर्णा कहती हैं कि अखिलेश यादव और आजम खान राजनीति करने से पहले अपने ऊपर लगे दारों और मुकदमों को ठीक तरीके से देखें और उसके बाद आगे राजनीति करने का सोचें। योगी आदित्यनाथ की तुलना राजा से करने वाली अपर्णा ने अपने बयान से साफ कर दिया है कि बीजेपी की तरफ निष्ठावान तरीके से वो राजनीति कर रही है। और इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए खबर ये आ रही है कि भाजपा अपर्णा को राज्यसभा का टिकट दे सकती है। यादव वोट बैंक साधने के लिए राज्यसभा अपर्णा यादव को भेजकर बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के आधार पर रणनीति बनाने के लिए कदम उठा सकती है।